360 लाइपोसक्शन टमीटा क्या है? ये एक सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं कि सर 360 का क्या मतलब है, ये 360 का अर्थात क्या है। बहुत से लोग हमें इंस्टाग्राम पे डेली फॉलो करते हैं, हमारी स्टोरीज देखते हैं, वो देखते हैं कि हम हर दूसरे दिन 360 लाइपोसक्शन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं या सर्जरी यूज कर रहे हैं 360 लाइपोसक्शन। तो 360 लाइपोसक्शन क्या है ये इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कोई एब्डोमिनल कंटूरिंग या बॉडी कंटूरिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या लाइपोसक्शन होता है और किस तरह से उसकी कंटूरिंग करते हैं और 360 यानी एडवांस फॉर्म ऑफ लाइपोसक्शन बॉडी कंटूरिंग क्या है। हाय, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता हूँ। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ। मेरी टीम है, हम कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं, सीके बिरला हॉस्पिटल और एक्सेप हॉस्पिटल में हम डायरेक्टर हैं। सो 360 लाइपोसक्शन बेसिकली एक 360 डिग्री कंटूरिंग ऑफ द एब्डोमेन एंड द बैक एरिया है, और इसका क्या लॉजिक है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास अमूमन जितने भी लोग आते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और एब्डोमेन कंटूरिंग के आते हैं, वो बोलते हैं कि जी हमारे अपर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, फ्लैंक्स में काफ़ी फैट है और हम इसको पतला करना चाहते हैं। और जब हम उनको एग्जामिन करते हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिनके लोअर बैक में एक्सेस फैट नहीं हो। अगर हम लोअर बैक का फैट नहीं निकालेंगे तो मैं फीमेल्स में एक आर ग्लास शेप नहीं दे सकता या एक मेल में वी शेप नहीं दे सकता। लोअर बैक का फैट निकालने को हम बोलते हैं 360 डिग्री कंटूरिंग। बहुत सी स्पेशली फीमेल्स में, अलॉन्ग विद दैट मिड बैक में भी एक टायर का, एक फैट का टायर बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्रा रोल्स। बहुत सी फीमेल्स इससे आइडेंटिफाई करेंगी कि वो ब्रा पहनते हैं तो उसके नीचे एक टायर बनता है, उसको बोलते हैं ब्रा रोल्स। तो हम उसको भी उन पेशेंट्स में साथ करते हैं। इसके कई सारे लॉजिक हैं। पहला लॉजिक तो ये है एस्थेटिक्स। आप सोचिए, अगर हमने सामने से, कोई बोलते हैं जी हमारे पास कॉस्ट का इशू है, सामने से पतला कर दीजिए, आप सामने से फैट निकाल दीजिए, मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि सामने से अगर सिर्फ किया और बैक छोड़ दिया तो आपका रिजल्ट हारमोनियस नहीं लगेगा। आप कैसे ऐसे बंदे को जानते हैं जो आगे से तो पतला हो और सिर्फ पीछे फैट हो? ऐसे कोई नहीं होता। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने एक, मेरे हिसाब से एक डिफॉर्मिटी जैसा शेप बन गया या पता लग गया कि इसने सर्जरी कराई है, आगे से पतला हो गया और पीछे का तो अजीब सा लग रहा है। सो ये हम नहीं करते। हमारा मकसद होता है हारमोनियस रिजल्ट लगना। हमेशा कोई भी इंसान हो वो एक यूनिफॉर्म प्रपोर्शन में रहे और वही एक अच्छा और सुंदर लगता है। एक ये भी बात है कि जो हमारा कंसेप्ट है कि अगर कोई पेशेंट बोलता है नहीं जी आप आगे कर दीजिए, पीछे नहीं कराना, तो हम बोलते हैं हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए, वो उस इंसान इसमें समझ नहीं रहा है, चाहे उसका कॉस्ट कंसर्न है, चाहे वो ये चाहता है कि नहीं जी मेरे को आप बड़ा सर्जरी ना करें, कॉस्ट ना बढ़े। लेकिन मेरा मकसद क्या है कि वो सिर्फ उसका रिजल्ट नहीं है, वो तो नहीं सोच पा रहा आज क्या है उसका रिजल्ट, मैं तो सोच पा रहा हूँ ना, वो रिजल्ट उसका नहीं है, वो सिर्फ मेरा भी है। मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम हमेशा 360 लाइपोसक्शन प्रेफर करते हैं ताकि एक हारमोनियस रिजल्ट। दूसरा एक और रीज़न है। अब समझिए कि एक बॉडी है, उसका एक सिलेंडर ऑफ स्किन है, उसके नीचे सिलेंडर ऑफ फैट है, उसके नीचे सिलेंडर ऑफ मसल है। जब तक आप पूरे फैट को ठीक से नहीं निकालेंगे, जो स्किन है वो श्रिंक करके अच्छे से रीड्रेप नहीं करेगी। सो जब तक आप पूरा नहीं निकालेंगे तब तक स्किन अच्छा रीड्रेप नहीं करता। तो इसीलिए भी पूरा सिलेंडर को आपको एक डीग्लव करने को बोलते हैं, साइंटिफिकली डीग्लव करना होता है ताकि अच्छे से स्किन श्रिंक कर पाए। ये एक साइंटिफिक और लॉजिकल रीज़न है कि क्यों हमें 360 लाइपोसक्शन पेशेंट का करना चाहिए। और वैसे भी एक ज़माना आ चुका है सिर्फ लाइपोसक्शन का नहीं, लाइपोस्कल्पचरिंग का, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। लाइपोस्कल्पचरिंग का क्या मतलब है कि फैट इस तरह से निकालना दैट यू गेट इनहेंस शेप्स। अगर आप देखेंगे हमारे पेशेंट्स में, अगर कोई फीमेल राउंड फेस आता है, राउंड बॉडी आती है, अगर वो फीमेल है तो हम एक आर ग्लास शेप बनाते हैं, अगर ये मेल है तो हम एक वी शेप एथलेटिक लुकिंग बॉडी बनाते हैं। इनफैक्ट हम एजेस ऑफ मसल्स और सिक्स पैक एब लुक भी बनाते हैं। सो सिर्फ फैट निकालना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है सर्जरी का। सर्जरी हैज़ यू नो इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम मच मोर, इट इज़ गेटिंग यू इनहेंस शेप्स एंड दैट इज़ वॉट वी आर नोन फॉर। अगर इस विषय पर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप हमें पूछिए, हमसे कॉन्टैक्ट करिए। Me and my team are always there to guide you scientifically.